समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदी में इस बार किसानों का कतई रुझान नहीं है। इसका कारण समर्थन मूल्य और मंडी के भाव में औसतन 1500 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर होना है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों पर पूरी तरह से न केवल सन्नाटा पसरा हुआ है बल्कि इन पर लगाए गए बैनर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों पर अब तक एक दाना भी नहीं आया है, जबकि अकेले मध्य प्रदेश के भिंड की कृषि उपज मंडी में ही अप्रैल के महीने में 5181 क्विंटल सरसों खरीदी जा चुकी है। यहां बता दें कि समर्थन मूल्य पर सरसों खरीदी को शुरू हुए 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी केंद्र पर खरीदी शुरू नहीं हो पाई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बाजार में सरसों खरीदी के दाम ज्यादा होने के कारण केंद्रों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। 21 मार्च से समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदी शुरू हो गई थी। इस बार समर्थन मूल्य पर सरसों बेचने के लिए 7698 किसानों ने पंजीयन कराया था, जबकि बीते वर्ष 26000 किसानों ने पंजीयन कराया था। लेकिन पिछले साल 4650 रुपए के MSP पर सरसों बेचने वाले किसानों ने देखा कि बाद में मंडी में 7500 रुपए क्विंटल तक सरसों बिकी थी। कम संख्या में किसानों द्वारा पंजीयन कराने का एक बड़ा कारण यही रहा। इस बार समर्थन मूल्य 5050 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, लेकिन मंडी में 6300 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। इस प्रकार से औसतन प्रति क्विंटल 1500 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर होने से किसान और खरीद केंद्रों की ओर रुख ही नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।